अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हदी कोल डायरी। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सारी टिप्स लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे उसको ज़रूर लाइक करें। तो चलें टाइम ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक बॉटल रीयूज आइडियाज़। तो आइडिया नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बड़ी ज़बरदस्त आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने लेनी है कोई भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल और आपने उसे इसी तरह मार्किंग कर लेनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। किसी भी शार्प नाइफ से या आप सीजर की हेल्प से जो है ना इसकी इसी तरह जो है ना वो कटिंग कर लें। इसकी कटिंग करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है एज ए ऑर्गेनाइज़र। और किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पेंट कर सकते हैं, मैं इसको पेंट नहीं कर रही, डायरेक्ट आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो इसके ऊपर इसी तरीके से मार्क लगा लें जिस तरह आपको चाहिए। बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है, आप जब बनाएंगे तो आपके बहुत ही काम आने वाला है। आपने कर लेनी है नाइफ को इतनी देर में जो है ना वो गर्म कर लें, चूल्हे पे कर लें, ठीक है, या आपके पास जो है ना वो कटर वापस से कर लें। नाइफ से इजी रहता है, ठीक है, इसकी होल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चौड़ी हो जाती हैं और हमारा पर्पज़ इससे जो है ना वो फुलफ़िल होता है। तो अब आपने इसमें जो है ना स्पून्स को इसी तरीके से जो है ना खड़ा कर लेना है। इससे आपका ज़बरदस्त सा स्पून स्टैंड रेडी है, आप जो है ना वो किचन में इसको ईजीली निकालना और रखना कर सकते हैं। और बीच में कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट आप इसमें कैरी कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें जो है ना स्पैचुला स्पून्स वगैरह रख सकते हैं। उम्मीद है ये स्पून स्टैंड आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटे छोटे आइडिया हैं और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। आइडिया नंबर 2 भी बहुत ही काम का है, इसके लिए भी प्लास्टिक बॉटल को इसी तरीके से आप मार्क लगा लें। बहुत ही फेवरेट है ये मेरा जो है ना ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, मार्किंग लगाने के लिए आपको ये देखिए, अगर इस तरीके से मार्किंग हम करते हैं ना तो अनइवन होती है, तो इसके लिए आपने क्या कर लेना है, कोई भी आपने उस साइज़ से अकॉर्डिंगली आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है मार्कर को उसके ऊपर जो है ना रख कर और बॉटल को फेरते जाना है और स्मूथ सी जो है ना वो बिल्कुल ही इक्वल जो है ना वो बाउंड्री रेडी हो जाएगी। आपने उसके ऊपर जो है ना कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल ही इक्वल लाइन आ जाएगी। और कटिंग करने के बाद आपने इसकी जो आपने स्ट्रेट लाइन लगाई हैं वहाँ से भी आपने कटिंग कर लेना है। अब बाकी बॉटल इसी तरीके से रहेगी और ये जो आप कटिंग करेंगी इसको आपने निकाल लेना है। और ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। इसमें आप जो है ना अपने घर में जो किचन में इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कप्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि उनके जो होते हैं हैंडल्स बहुत ही नाजुक होते हैं तो उसको जो है ना हम इजीली जो होते हैं ना वो कहीं रख नहीं सकते, स्पेस बहुत लेते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स बनाएं, किचन भी खूबसूरत लगेगा, आपके पैसे भी बचेंगे। चाहे आप पैसों से अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस आपका जो है ना ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। इजी है, क्विक है और इसका जो बचा हुआ पार्ट आप ऊपर रख के इसको डस्ट वगैरह से या कीड़ों से महफूज कर सकते हैं। जितने कप्स हैं उतने ऑर्गेनाइजर्स बनाएं, सब कप्स को इस तरीके से अरेंज करें, स्पेस भी कम लेगा, टाइम की बचत, पैसों की बचत। छोटा सा आइडिया था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जी इस तरीके से कोई भी बॉटल आप एक और ले लें, कोई भी प्लास्टिक की हो, ठीक है, आपने उसके ऊपर इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अगर आप राउंड में करना चाहें तो राउंड में कर लें, मुझे राउंड में बेहतरीन लग रही थी तो मैंने इसके लिए राउंड में कटिंग स्टार्ट कर दी। और सीजर की हेल्प से इजीली प्लास्टिक बॉटल जो हैं वो कट हो जाती हैं, आप इसको इसी तरीके से कट कर लें। कोई भी वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स जो आप नहीं यूज़ करते जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, कलर्स के ख़राब हो गए हैं, अंदर से ख़राब हो गई हैं, आप इस्तेमाल करें, पैसों की इतनी ज़बरदस्त सी बचत। आपको इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मार्केट में भी नहीं मिलते और आप इसको अपनी समझदारी और होशियारी से बना देते हैं। अब कितना अच्छा सा ये जो है हमारा ऑर्गेनाइज़र है, आप इसको जो है ना वो अपने चीनी के डब्बे, आटे के डब्बे, चावलों के डब्बे, दालों के डब्बों में इजीली बना के रख सकते हैं। हर बॉक्स में अलग अलग से बना कर इसको रख सकते हैं, बस आप इजीली जो है ना वो कोई भी चीज़ डालनी हो, मेयर करनी हो, निकाल सकते हैं, गिरेगी भी नहीं और आपकी जगह भी साफ रहेगी। छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स आपके टाइम बचाएंगे। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आपने नाइफ को गर्म कर लेना है और इतनी पत्ती क्वालिटी की होती है, लेकिन ये जो इसकी टॉप वाली जो होती है ना कैपली जगह बहुत ही मुश्किल से कटिंग होती है, इसके लिए आप छुरी को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लें, ठीक है, बाकी बॉटल इजीली कट हो जाती है सीजर या कटर की हेल्प से, बस की कटिंग कर लें और ये प्यारा सा आपका ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। अगर आप इसको पेंट करके कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा मार्कर का साइज़ जो है ना काफ़ी मोटा था तो मैंने बच्चों के लिए बना के रख दिया है, इससे जो है ना उनकी स्पेस भी कम होगी और घूमने का ख़तरा भी नहीं रहा।
आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जी कटिंग तो मैंने आपके सामने ही इसकी की थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है कोई भी वेस्ट बॉटल लेकर, और आप इसके ऊपर एक होल सी बना लें। अब इसको आप किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो किस लिए, आप इसमें जो है ना वो चार्जर लगा के मोबाइल को रख सकते हैं, या आपने उस होल में जो है ना वो चार्जर को लगा कर स्विच बोर्ड पे भी हैंग कर सकते हैं। उम्मीद है ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। बॉटल का साइज़ आपने जो है ना इसकी लेंथ लंबी रखनी है, ताकि मोबाइल से ऊपर इसका चार्जर की जगह रह सके। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आपके पास तो इस तरीके से कोई भी बॉटल्स के कैप्स हों, आपने उसके ऊपर होल्स बना लेनी है। बहुत ही काम का ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ बना के शेयर कर रही हूँ। मैंने तो था वो फोक को गर्म करके किया था, आप नाइफ या सीजर की हेल्प से गर्म करके कटिंग कर सकते हैं। बॉटल पे लगाएं, आपका खूबसूरत से शावर बॉटल रेडी है। आप इसे जो है ना इजीली पौधों को पानी दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो मैंने आपको वीडियो के लिए दिखाने के लिए बनाया था, मेरी पुरानी भी बॉटल्स हैं। ईज़िली जो है ना वो मैं इसमें डालकर और 2 से 3 बॉटल्स में ईज़िली जो है ना मैं इससे पानी दे देती हूँ। प्लांट्स को बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, सारी तरफ जो है ना इक्वल जो है ना वाटरिंग हो जाती है। उम्मीद है ये आइडिया अच्छा लगा होगा। नई वाटर बॉटल आपको लेने की ज़रूरत नहीं, शावर बॉटल आपके घर से ही आपकी जो है ना वो पैसों की बचत हो गई। बहुत ही छोटा सा आइडिया था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अभी तक आपने वीडियो देखी है, लाइक नहीं किया तो इसको ज़रूर लाइक कर लें, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया, खाली खाली वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही काम का है, यूज़फुल आइडिया है। सारे ही यूज़फुल आइडियाज़ आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत से सेलेक्ट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो आपने इसकी कैप वाली साइड की कटिंग कर लेनी है, ठीक है, और बॉटम वाली साइड की भी कटिंग कर लेनी है। जितने भी हम बना के रखें बहुत ही काम के ये ऑर्गेनाइजर्स हैं। इसकी बॉटम और अपर साइड मैंने कटिंग कर ली। आप चाहें इसके ऊपर कोई भी सॉक्स भी चढ़ा सकते हैं, कपड़ा चढ़ा सकते हैं, या आप इसके ऊपर कोई पेपर लगा सकती हैं। मैं इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं इसको जो है ना वो डिस्कार्ड करके दोबारा से बनाती हूँ। आपका ये जो है ना प्लास्टिक बैग्स को इसमें जो है ना आप इजीली स्टोर कर सकते हैं, जब आपको चाहिए हो, जब वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह आते हैं, शॉपिंग करते हैं हम, ग्रॉसरी वगैरह आती है, बस इन बैग्स को इसमें डालें, इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। फोल्ड करना और रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इतना टाइम नहीं होता कि इस पर भी कौन फोल्ड करने में टाइम लगाए, बस इसको एज ही हम इसको डाल सकती हैं। लेकिन इसको अगर हैंग करना चाहें तो उसके लिए हैंगिंग पॉइंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी टाइम पे बना लेंगे ना तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो 2 होल्स आप इसमें कर सकते हैं, और 2 होल्स करने के बाद कोई भी रिबन हो आपके पास, या आपके पास जो है ना कोई डोरी हो, आप उससे जो है ना किसी रस्सी की हेल्प से भी इसमें जो है ना वो एक हैंगिंग पॉइंट बना सकते हैं। बस इसमें जो है ना मैंने दोनों तरफ से डाला, एक अच्छी सी नॉट लगा ली, और ये खूबसूरत सा जो है ना ऑर्गेनाइजर रेडी है। आप इसको दरवाजे के पीछे भी लगाएं या कैबिनेट के अंदर लगा दें, और आप इसमें जो है ना वो अपने जितने भी शॉपर्स वगैरह हैं उसको रखें, निकालें, बहुत ही अच्छा हो जाता है। एक इस तरीके से आपके पास अगर भर जाएँ तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजर के समेत ही आप किसी बाय जो है ना वो छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं, कोई छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, शॉपिंग बैग का रेट बहुत इंक्रीज़ हो गया, आप उनको भी ये जाके दे सकते हैं। तो मैं तो जितने भी एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह होते हैं कलेक्ट कर लेती हूँ और ऐसे ही भिजवा देती हूँ, तो वो खुश भी हो जाते हैं, उनके पास भी एज ए जो होता है ना ऑर्गेनाइज़र हो जाता है, और शॉपिंग बैग्स भी उनके पास जो है ना पहुँच जाते हैं। एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग को भी मैं वेस्ट नहीं करती, किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इन बॉटल्स का एक और बेस्ट यूज़ जो मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में करती हूँ, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजर्स में बना कर जो है ना इसमें जो है ना बहुत सी चीज़ें स्टोर करती हूँ। आपने ऊपर वाले पार्ट को जो है ना निकाल लेना है, उसको भी वेस्ट मत करें, उसमें भी प्लांट्स वगैरह आप ग्रो कर सकते हैं, उसमें जो है ना दाल चावल डालने के लिए भी आप जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कटिंग करने के बाद आपने क्या कर लेना है, आप किसी भी दूसरी बॉटल को आपने लेकर जो है ना वो इसकी बॉटम वाली साइड जो है ना उसकी कटिंग कर लेनी है। जितने भी आपको ऑर्गेनाइजर्स बनाने हैं आप उसके इतने ही क्वांटिटी में बना लें, ठीक है। मुझे 3 से 4 की ज़रूरत है, मुझे फ्रिज में ऑर्गेनाइजर्स बना के रखने हैं, बस इस तरीके से आपने जो है ना वो 4 से 5 रेडी करना चाहें तो कर लें। अच्छा, दूसरी बॉटल का आपने बॉटम वाला पार्ट लेना है, इसको हमने जो है ना एज ए कैप इस्तेमाल करना है, इसको बंद करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसकी साइड्स को जो है ना इसकी शार्पनेस ख़त्म करने के लिए अच्छे तरीके से जो है ना कटर से जो मैं कटिंग कर रही हूँ, कि ताकि ये
खुलने और बंद करने में जो है ना वो हाथ को जो है ना वो ज़ख्मी ना करे। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से ना इसका कैप रेडी हो गया है। कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकें, सॉक्स रखना चाहें, वार्डरोब की चीज़ें, क्लिप कैचर्स। तो मैं तो इसको फ्रिज में एज ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करती हूँ। जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं स्पेस कम लेती हैं और दूसरा इसमें ख़राब नहीं होते, ठीक है। लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह, आप इसमें साग, धनिया, मिर्चें कुछ भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो डोर साइड पे इजीली हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, स्पेस कम लेगा, फ्रिज ऑर्गेनाइज रहेगा। छोटे फ्रिज वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये जो है ना ये हैक हैं, ये टिप्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो करें। आपकी स्पेस बचेगी, गंदगी नहीं होगी, वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होगी, साफ़ सुथरा आपका फ्रिज रहेगा। उम्मीद है ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। छोटे हैक्स हैं, बड़े काम के हैं, बहुत यूज़फुल से हैं। आप चाहें तो कोई भी इसमें बिस्किट्स वगैरह भी इसमें ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर्स में बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। सॉक्स वगैरह करना चाहें सॉक्स वगैरह रखें, बच्चों को इसमें चीज़ें डाल कर देने, टॉयज़ ब्लॉक्स वगैरह भी इसमें जो है ना ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। बस आपने जो है ना वो घर को खूबसूरत बनाने के सलीके आने चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आइडिया। आपके घर में जो है ना ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको इसकी कटिंग नहीं आती तो मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। कोई भी आपने बॉटल लेनी है, बस आपने ऊपर से कटिंग शुरू करनी है, थोड़े से गैप से आपने इक्वल साइज़ की जो है ना एक इस तरह पट्टी सी काटती जानी है, ठीक है। मैं सीजर की हेल्प से काट रही हूँ, ठीक है। आप अगर उस तरीके से शार्पनर की ब्लेड की हेल्प से बनाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी। तो ये वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। इस रस्सी को बहुत ही जो है ना वो इसको इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, रिसाइकलिंग के लिए। लेकिन आज जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्लास्टिक बॉटल की, इस प्लास्टिक रोप से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही काम का है। कहीं आपके पास रोप नहीं है और आपको जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रोप की ज़रूरत है तो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रोप का काम करता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी आपके लिए बन के रेडी है, कोई मेहनत की बात नहीं। कितना ईजी है, बस आपको कहीं से भी सीजर की अरेंजमेंट करनी है या नाइफ की अरेंजमेंट करनी है और उसकी आपने इस तरीके से, प्लास्टिक बॉटल तो हर जगह मौजूद होती है, कहीं आप पिकनिक पे गए हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं भी आप हैं, आपको रस्सी की ज़रूरत है, आपको कुछ काम करना है, कुछ चीज़ बांधनी है, आपने इसी ये रस्सी तैयार कर लेनी है, ठीक है। आप बना के अपने बैग में भी ले जा सकते हैं। बस आप इसको जो है ना, अगर आप पेपर पहले रिमूव कर लें तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये रिमूव करना रह गया तो काफ़ी मुश्किल से ये रिमूव हो रहा था। चलिए जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना खुद ही रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। आपको कुछ भी बांधना है, कोई कॉटन आपको बांधने हैं, कोई आपका सफ़र पे जा रहे हैं सामान को बांधना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी ये रस्सी है, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग सी है ना। बैग्स को बांधना है, कुछ सामान टाइटली आपने करना है, ठीक है, दो से तीन चीज़ों को आपने इकट्ठा करना है। देखिए कितना जो है ना ये वेट बर्दाश्त कर सकता है, कंबल आप बांधें। तो इस तरीके से बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। सारे आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया आपका फेवरेट है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़फुल सा ये जो है ना है क्या, इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। एक्स्ट्रा जितनी है उसकी कटिंग कर लें। चले बढ़ते हैं लास्ट आइडिया की तरफ, लेकिन ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बची हुई रस्सी भी आप ज़ाया मत करें, आपको अपने कपड़े ड्राई करने के लिए भी बहुत ही काम की जो है ना ये रस्सी हो सकती है। आपने इसको किसी भी जो है ना वो दो जो है ना पॉइंट्स पर इसको अच्छे से टाई कर लेना है, ठीक है। स्पेस अच्छी हो, अगर आपने इसको धूप में करना है धूप में लगा लें, ठीक है, दरख्तों के साइड पर लगा लें, कहीं आप पिकनिक स्पॉट पर आपको कुछ ड्राई करना है, कपड़े रखते हैं, आप इसको दो दरख्तों के बीच में बांध सकते हैं, अच्छा खासा वेट ले लेते हैं गीले कपड़ों का और आपका जो है ना वो बहुत ही काम आसान करते हैं। आई होप आज की तमाम वेस्ट बॉटल रिसाइकलिंग है आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।